गुड मॉर्निंग मैडम. मॉर्निंग. चलो चलो. जी मैडम, आज पैसे मिल सकते हैं क्या? कौन से पैसे? मैडम मैंने आपको बताया था ना कि पिछले हफ्ते तूफान आ गया था मेरे गांव में और मेरा गांव वाला घर टूट गया था, उसी के लिए मैडम थोड़ा एडवांस चाहिए थे. अरे यार, एक तो तुम लोगों के डिमांड्स खत्म होने का ही नाम नहीं लेती. सैलरी कब मिलती है? मंथ एंड में ना, तो उसी का वेट करो. मैडम अभी महीना खत्म होने में पूरा 18 दिन बाकी है, तब तक काम कैसे चलेगा? घर की छत चूरी है मैडम, एडवांस ही तो मांग रहा हूँ. प्लीज ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और जल्दी गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत लेट हो रहा है. जब देखो इन्हें पैसे चाहिए. जी मैडम. मैडम मैडम क्या हुआ? कांच को हाथ क्यों लगा रहा है? दूर हटो. मैडम गुब्बारे ले लो. नहीं चाहिए. मैडम छोटी बहन 2 दिन से भूखी है, उसके कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा. मैंने तेरी बहन के खाने का ठेका ले रखा है क्या? बोला ना नहीं चाहिए, दूर हट. ले लो मैडम. फिर वही बात, जाओ यहाँ से. क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम मैं अभी आया. हुआ क्या? मैडम बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आया. जल्दी आओ. भैया 2 गुब्बारे कितने गया? ये लो 20 रुपए और 2 गुब्बारे ले लो मुझे. बन गए इमोशनल फूल. उसने तुम्हें अपने बच्चे का बहाना देकर बेवकूफ बनाया है. कोई बात नहीं मैडम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. क्या पता वो बच्चा सचमुच में भूखा, और मेरी वजह से अगर उसको एक वक्त का खाना भी मिलेगा ना तो मेरे लिए काफी है. और अगर उसने मुझे बेवकूफ बनाया है तो कोई बात नहीं, वो कम से कम मेहनत करके 2 वक्त की रोटी तो खा रहे हैं, किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहे. कमाल है, अपने खुद के घर की छत बनवाने के पैसे नहीं है और दानवीर बन रहे हो. मैडम 20 रुपए से मेरा घर तो बन जाएगा नहीं, लेकिन हाँ कम से कम किसी की छोटी सी मदद जरूर हो जाएगी उन पैसों से. और वैसे भी हमारी छोटी सी मदद किसी के चेहरे पे खुशी लाती है, तो वो मदद हमें जरूर करनी चाहिए. ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी. एनीवे, चलो जल्दी, लेट हो रहा है हमें. जी मैडम. विमल गाड़ी घुमाना. जी मैम, क्या हुआ? गाड़ी घुमाओ और वहीं ले चलो जहां हमें वो गुब्बारे वाली मिली थी. जी मैम. भैया ये सारे गुब्बारे कितने के हैं? जी मुझे ये सारे गुब्बारे खरीदने हैं, कितना रुपया देना पड़ेगा? सिर्फ 60 रुपया मैडम. ये मैडम खुले दे दो, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है. कोई बात नहीं, जब मैं अगली बार यहाँ से निकलूंगी तब दे देना, अभी रख लो. धन्यवाद. विमल. जी मैडम. तुमने घर की छत के लिए पैसे चाहिए थे ना, वही दे रही हूँ. थैंक यू मैडम. थैंक यू मत बोलो विमल, तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि अगर किसी की छोटी सी मदद करके भी हम उसके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो हमें वो मदद जरूर करनी चाहिए. तुम 10,000 महीना कमा कर भी सबके बारे में इतना सोच सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? चलो अब देर हो रही है.
as humans are all about memories. Once we are gone, all it will be left in this world would be the kind of memories which we are gonna create for this world. So try and make a better memory for yourself or others. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of